मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f. लीनियर मैग्निफिकेशन होता है m = h'/h = -v/u. एच डैश इमेज की हाइट है, h आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है, v है इमेज की पोजीशन मिरर से, u क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर से. अच्छा, m की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, निगेटिव में कुछ भी आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि रियल इमेज बन रही है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज बन रही है. ये आपको याद रखना है, m की वैल्यू निगेटिव, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव तो रियल इमेज, ठीक है, और m की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज. अब देखो ज़रा यहाँ ध्यान से सुनना. जनरली हम लोग ये कहते हैं अगर v और u की वैल्यू पता चल जाए तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, या इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल जाए तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. लेकिन अगर u और v पता हो या u और f पता हो, ठीक है, v और f या u और f पता हो, तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो. डायरेक्टली कैसे करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ. देखो 1/v ये फार्मूले में अगर 1/v को उधर भेज दो तो 1/u = क्या होगा, 1/f - 1/v होगा. अब इसमें अगर दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई कर दो तो v/u = v/f - v/v कट जाएगा, 1 आएगा, v/f - 1 v/u. सो v/u = v - f/f, और दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -v/u = क्या हो जाएगा, -v - f/f. इस v/u को आप लिख सकते हो माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, f - v/f लिख सकते हो. तो यही तो मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन. -v/u है, -v/u उसकी वैल्यू f - v/f आ गई. यानी ये वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, f - v/f ये भी लिख सकते हो. यानी f और v की वैल्यू भी पता हो तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो. अब दूसरा देखो, सेम यही फॉर्मूला फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1/v + 1/u = 1/f. अगर इस बार मैं u को अगर उधर ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है, उस तरफ भेजूँ, तो 1/v = क्या होगा, 1/f - 1/u. 1/v = क्या हो जाएगा, अगर मैं u से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड में u से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, u/f - 1 होगा दोनों साइड में u से मल्टीप्लाई करने पे. और उसके बाद से u - f/f होगा, u/v. अब इसको उल्टा कर दूं, v/u कर दूं तो f/u - f हो जाएगा उल्टा करने पे, रेसिप्रोकल ले लिया. अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -v/u = f/u - f. अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, -v/u = f/f - u. तो यही तो मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन -v/u. यानी ये वैल्यू f/f - u के बराबर है, ये वैल्यू f/f - u के भी बराबर है. यानी अब सिर्फ आप इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ही मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते हो, आप f और v भी पता हो तो भी निकाल सकते हो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से, या f और u भी पता हो तो सीधे निकाल सकते हो. आपको दोबारा से, जैसे f और v पता है आपको u नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, इस फॉर्मूले में u की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करके u निकाल के फिर पुट करते हो यहाँ पर. लेकिन अगर f और v पता है तो डायरेक्टली आप इस वैल्यू में पुट करके यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो.